अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो वीडियो है, बहुत सारे भाइयों के साथ ये इशू होता है कि उनके पास जो घर में बच्चे होते हैं कबूतर के, वो मर जाते हैं या वो सही से पलते नहीं हैं, या नहीं तो बहुत छोटे साइज़ में पलते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं। एट द सेम टाइम वो काफ़ी ज़्यादा पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हैं बहुत सारे वाइटामिन्स के ऊपर और काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर, जिससे अगर वो देखते हैं कि हाँ भाई इससे फ़ायदा हो सकता है, लेकिन फिर भी उनको नुकसान ही हो रहा है। तो भाई मैं आपको आज अपने घर की चीज़ बताऊंगा कि मैं कैसे करता हूं और मेरे घर पे जो ब्रीड चल रही है वो किस तरीके से चल रही है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो ये फर्स्ट वाला पेड़ है हमारा, हम इसके बच्चे देखते हैं, ठीक है भाई। ये देखिए भाई, पहला बच्चा है इसका, ये देखिए भाई, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, और इनको अभी दाना खिलाया है मैंने भी और कबूतरों ने भी, ठीक है। तो मैंने जो खिलाया है, मैं आपको वीडियो के एंड में क्लिप्स ऐड करूंगा ताकि आपको समझ आ जाएगा कि मैंने क्या खिलाया है। और ये हिसाब से ये जो है, ये हमारा, ये इस जोड़े के बच्चे हैं भाई, देख सकते हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हेल्दी है, पेट इनका पूरी तरीके से भरा हुआ है, आप देख सकते हैं। वज़न में पूरे हैं पर पूरी तरीके से आ रहे हैं, कोई भी तरीके से इनकी ग्रोथ जो है वो रुकी हुई नहीं है। अब हम चलते हैं दूसरे पेड़ की तरफ। तो भाई ये हमारा सेकंड वाला पेड़ है यहाँ पे, जैसा आप देख सकते हैं ये फादर है सामने और ये इसकी मदर है, ठीक है। तो ये हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखेंगे पेड़, तो आप ये पट्टों को भी देख सकते हैं, काफ़ी इनका साइज़, पेट आप देखेंगे पूरी तरीके से भरा हुआ है और कम्प्लीटली हेल्दी बच्चे हैं और कोई भी तरीके से कमज़ोर नहीं है, ना तो इनके अंदर कोई भी कमी आई हुई है। फेदर्स भी आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से इनकी ग्रोथ है, कोई भी तरीके से फेदर्स में कमी नहीं आई हुई है। और पेरेंट्स भी आप देखेंगे काफ़ी अच्छे हेल्दी है, कोई भी तरीके से बड़े वाले कबूतर बीमार नहीं हैं। अब हम चलते हैं दूसरे पेड़ की तरफ। तो ये हमारा थर्ड पेयर है भाई, जैसा आप देख सकते हैं आपने सामने, ये वाला राइट वाला जो बड़ा है वो मेल है और ये जो स्लेटी में ये फीमेल है, और ये भाई इनके बच्चे हैं। तो अभी ये रेडी है, अभी इनको मैं ले जाऊंगा दूसरी वाली छत पे उड़ाने के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये एक बच्चा है और पीछे ये एक बच्चा है भाई, ठीक है। दोनों यहीं पले हुए हैं और आप देख सकते हैं क्वालिटी जिसमें ये बच्चे पले हैं, बिल्कुल A1 ज़बरदस्त तरीके के बच्चे पले हुए हैं। कोई भी तरीके से इनमें कुछ भी कमी नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर साइज़ में आए हैं, प्रॉपर वेट है इनका, फेदर्स क्वालिटी बहुत अच्छी आई है, मुलायम कबूतर है, कोई भी तरीके से ग्रोथ में कमी नहीं आई है। तो इसका पूरा मतलब मैं आपको पहले आपको पूरे मेरे घर के जोड़े बता दूंगा, उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि मैं कर क्या रहा हूं कबूतरों के साथ और ये जो इनकी ग्रोथ हो रही है वो किस तरीके से हो रही है। चलिए हम दूसरे पेड़ की तरफ चलते हैं। तो ये भाई यहाँ पे एक और पेड़ है यहाँ पे, जैसा आप देख सकते हैं आपके सामने, ये वाला मेल है और ये कासनी में फीमेल है। इसके नीचे दो अंडे हैं और इसका एक ही बच्चा निकला था अंडे में से, उसके हिसाब से आप देखेंगे अगर, तो ये बच्चे का भी आप साइज़ देखेंगे काफ़ी बड़े साइज़ में भाई, और सब में हेवी बच्चा बोल सकते हैं आप। मेरे लॉफ्ट का यही वाला पल रहा है अभी, जैसे देख सकते हैं आप, ये देखिए भाई पूरा फुल कासनी कलर में है ये बच्चा, और ये इसका फादर है और ये इसकी मदर है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप बिल्कुल अच्छी क्वालिटी में, बहुत ही अच्छी तरीके से ये बच्चा पलते हुए, और ये इनका फादर है और ये कासनी इसकी मदर है, और इसके नीचे फिर से दो अंडे हैं, ठीक है। अब हम बहुत ही छोटे साइज़ के भी थोड़े से देख लेते हैं एग्जांपल। यहाँ पे ये पेड़ है भाई, ये जैसा देख सकते हैं आपके सामने, समझने वाले समझ जाएंगे कौन से कबूतर है। यहाँ पे मेल है, यहाँ पे फीमेल है इसकी, ठीक है, ये वाली, और ये इनके बच्चे हैं भाई, देख सकते हैं आप बिल्कुल बहुत ही अच्छी क्वालिटी में, बहुत अच्छा इनका क्रॉप फिल हुआ हुआ है, देख सकते हैं आप, पेट इनका बिल्कुल पूरी तरीके से भरा हुआ है दोनों का भी, ठीक है। तो ये अब हम दूसरे पेड़ के पास चलते हैं। तो भाई ये एक और पेड़ है, जैसा आपने प्रीवियसली दो तीन वीडियोस में देखा है इस जोड़े के बारे में, तो भाई ये इनका बच्चा पला है, एक बच्चा इधर पल रहा है और एक बच्चा जो है दूसरी क्लच का है। ये भी आप इसका पेट देख सकते हैं किस तरीके से ये भर के इन्होंने खिलाया है, ठीक है। तो ये इन्हीं का बच्चा है, फिर इसके नीचे भाई दो अंडे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस हिसाब से ये वाला ब्रीडिंग चल रहा है इसकी, मैं आपको दूसरा पेड़ बताता हूँ। तो भाई अभी ये वाला पेड़ है, जैसा आप देख सकते हैं आपके सामने, ये भी बच्चा जो देख सकते हैं आप बहुत ही अच्छी क्वालिटी में, काफ़ी इसका वेट बढ़ रहा है अच्छे तरीके में, और इसके भी नीचे भाई जैसा आप देखेंगे फिर दो अंडे हैं, ठीक है। तो इस तरीके के जो बच्चे पल रहे हैं, इनके पलने का रीज़न क्या है, और आप देखेंगे कोई भी तरीके से इनके ऊपर ना तो कोई फुंसी है, ना किसी मच्छर ने इनको काटा है, ना कोई भी तरीके का इशू इनके साथ चल रहा है। तो मैं आपको एक और दो पेड़ बताता हूँ, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे क्लियरली। तो भाई ये एक और पेड़ है यहाँ पर, ये इनका बच्चा आप देख सकते हैं, ये जो होमर हाई फ्लायर का जो क्रॉस है, ये वो वाला बच्चा है, ये तो है इनके साथ ही, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर दो अंडे आ चुके हैं इसके, ठीक है।
तो जिस तरीके से यहाँ ब्रीड चल रही है, एकदम फास्ट और तेज़ ब्रीड चल रही है। फिर यहाँ पे हम इस वाले जोड़े के पास भी जाएंगे, यहाँ पे भी एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही हेल्दी बच्चा है। तो ये जहाँ पे एक बच्चे दिख रहा है आपको, वहाँ पे एक ही बच्चा निकला अंडे में से। तो उस हिसाब से ये भी आप देख सकते हैं बच्चा, ये फादर है और ये मदर है, और ये भी काफ़ी हैवी साइज़ में बड़ा बच्चा तैयार हो रहा है भाई। ठीक है, तो बहुत सारे भाइयों की यही ख्वाहिश होती है कि भाई हमारे पास जो भी बच्चे हों बहुत अच्छी क्वालिटी में बने, बच्चे बड़े हों हमारे घर पे उड़े। लेकिन जो भी लोग होते हैं, मोस्टली लोगों के घर पे ये पॉसिबल नहीं हो पाता, और उनके जो घर के कबूतर होते हैं वो मरते जाते हैं, या फिर उनके जो घर के बच्चे होते हैं वो पलते नहीं हैं ज़्यादा। ठीक है, वो ज़्यादा मरते हैं, तो इसमें लोग ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि हमको करना क्या चाहिए। तो भाई करना कुछ नहीं है, करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपको कबूतरों की डाइट को इस तरीके से रखना है कि आपकी कबूतर प्रॉपरली खाए और बच्चों को खिलाए। और अगर आपको ऐसे लगता है कि आपके कबूतर प्रॉपरली बच्चों को नहीं खिला रहे, तो आप अपने कबूतर के जो बच्चे होते हैं उनको हैंड फीड कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा हैंड फीड करना चाहते हैं। मैं जो हैंड फीड करता हूँ उसका मैं जो वीडियो का अंदर जो वीडियो है उसका उसको मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में कर दूंगा, तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ से और परचेज़ भी कर सकते हैं वो हैंड फीड। ठीक है, तो ऑल इंडिया डिलीवरी हो जाएगी उसकी। प्राइस और बाकी सारी चीज़ें जो है वो नीचे उसमें मेंशन कर दी गई है, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि कबूतरों की जो क्वालिटी है क्या है। तो मैं कबूतरों को दाने के साथ साथ एवरीडे हैंड फीड भी देता हूँ सारे बच्चों को, जिसके वजह से जो है बच्चे प्रॉपरली अच्छे तरीके से साइज़ में बड़े हो रहे हैं। देखिए, ये देखिए, ये लेफ़्ट वाला मेल दिखेगा और राइट वाली फ़ीमेल निकलेगी, हमको इसी तरीके से पता चल रहा है। और पेट इनके भरे हुए हैं, कोई भी तरीके से खाली नहीं है। तो ये सारे बच्चे जो हैं आप देख सकते हैं काफ़ी हेल्दी है, कोई भी तरीके से शंटेड इनकी ग्रोथ नहीं है। और मैं एक्स्ट्रा कोई भी वाइटामिन नहीं ऐड करता पानी के अंदर या दाने में, या कोई भी तरीके से मैं बाहर के इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स कबूतरों के ऊपर नहीं यूज़ करवाता भाई। क्योंकि आप अगर जंगली कबूतरों को देखेंगे, वो हर चीज़ खाते हैं, ख़ुद से खाते हैं और बच्चों को पालते हैं, उनको कोई भी तरीके से विटामिंस की या कोई भी एडिशनल चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसी तरीके से मैं भी अपने कबूतरों को काफ़ी चीज़ें देता हूँ खाने के लिए, उसके साथ साथ प्रॉपर हैंड फीडिंग करता हूँ जब मुझे लगे कि हाँ भाई कबूतर के बच्चे जो हैं वो कमज़ोर होने शुरू हो रहे हैं। अगर आप कबूतर के बच्चों को हैंड फीड नहीं करना चाहते, तो आप डायरेक्टली बड़े कबूतर को हैंड फीड कर सकते हैं, तो वो डायरेक्टली जाके अपने बच्चों को खिलाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे जो है यहाँ पे बच्चे तैयार हो रहे हैं इसके। ये देखिए, काफ़ी हेल्दी तैयार हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे बच्चे। तो उस हिसाब से इंशाल्लाह जैसा आप देख रहे हैं, आपको ऑलमोस्ट सारे बच्चे मैंने बता दिए, तो एक शायद और दो जोड़े बचते हैं जिनके बच्चे हैं। उसी हिसाब से इस तरीके की सक्सेसफुल ब्रीड अगर आप लेना चाहते हैं, तो आप कबूतरों को फॉरेन प्रोडक्ट्स ना दें। ठीक है, कोई भी तरीके से आपको फॉरेन प्रोडक्ट देने से इस तरीके की ब्रीड नहीं मिलेगी। आपको बस उनको दाना देना है, प्रॉपर दाना दीजिए जितना आपको देना चाहते हैं। आप जो भी दाना देना चाहते हैं प्रॉपर दीजिए, उसके साथ साथ जब कबूतर थोड़ा सा कमज़ोर लगे या कबूतर अपने बच्चों को ना खिलाएँ, तो उसको अपने हाथ से आप खाना ज़रूर खिलाइए। जब आप अपने हाथ से खाना खिलाएंगे कबूतर के बच्चों को, तो आपको एक सिग्निफिकेंट बेटर चेंज दिखेगा अपने कबूतरों के अंदर कि हाँ भाई मेरे कबूतरों के अंदर काफ़ी प्रोग्रेस आ रहा है। यही प्रोग्रेस के पीछे काफ़ी लोग तड़प रहे हैं कि भाई हमारे पास ऐसा प्रोग्रेस नहीं है, हमारे पास घर के पट्टे बचते नहीं हैं, हमारे पास जो कबूतर है वो मरते जाते हैं, बच्चे बड़े होते हैं। कई लोगों के पास इतने साइज़ के बच्चे होकर मर जाते हैं, कई लोगों के पास उड़ने लायक बच्चे होकर मर जाते हैं। मैंने भी ये इशू फेस किया है, ऐसे नहीं कि मेरे पास नहीं हुआ, मेरे पास भी काफ़ी हुआ है। उसके बाद से जब से मैंने प्रॉपरली ख़ुद से हैंड फीड भी करना शुरू किया है इनको, तो जो है कबूतर प्रॉपर तरीके से बेटर हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त तरीके से ब्रीड चल रही है। तो ये वीडियो का बनाने का मकसद यही है कि लोग जो है अपने कबूतरों के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल आर्टिफिशियल प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा विटामिंस यूज़ कर रहे हैं। वो बनी हुई कबूतरों के लिए है, सही बात है, लेकिन इतना ज़्यादा जो यूसेज है लोग एवरीडे पानी में मिलाकर दे रहे हैं या फिर जो है वीकली दे रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा होगा नहीं भाई। ठीक है, जो आपका कबूतर है उसके अंदर आप आर्टिफिशियली काफ़ी सारी चीज़ें भर रहे हैं, आप उसको नेचुरली देने की कोशिश करिए, क्योंकि कबूतर जो है नेचुरल चीज़ों को ज़्यादा बेहतर एक्सेप्ट करता है, ना कि आर्टिफिशियल। ठीक है, तो इतना ही था सिर्फ इस वीडियो के लिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप लिंक में जाके जो भी आपका एक यूट्यूब वीडियो है जहाँ से आप हैंड फीड का सारा प्रोसीजर देख सकते हैं, उसके साथ साथ अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो ऑर्डर भी कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया पर डिलीवरी हो जाएगी उसकी। ठीक है,
₹500 केजी मिलता है और एक केजी में करीब करीब 15 से 20 बच्चे रेडी हो जाते हैं भाई, ठीक है, शुरू से लेके आखिर तक। तो इतना ही था सिर्फ इस वीडियो के लिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए भाई, और इंशाल्लाह आपके घर में भी ऐसे अच्छे बच्चे तैयार होने शुरू हो जाएंगे। बस कबूतरों को दाना टाइम से दीजिए, पानी इनको टाइम से दीजिए, और जब बच्चे कमज़ोर लगे तो उनको थोड़ा सा खुद से आप मेहनत करके हैंड फीड कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।